कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम् वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम् वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम् हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज प्रभु जी के आदेशानुसार हमको कुछ देर पहले कहा गया, जो भगवत गीता का अध्याय 2 का प्रथम श्लोक के बारे में आपको बोलना है, तो हम जल्दीबाजी में जो तैयारी कर चुके हैं कर लिए हैं, लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां होगी, उसके लिए क्षमा पर प्रार्थी है। सबसे पहले हमको गुरु वंदना करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुर मिलिंतं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदः मह्यः ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे श्री गुरुओ श्री युतपद कमलं श्री गुरुन वैष्णव वांश्च श्री रूप सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता के भगवत गीता के अध्याय 2 का प्रथम श्लोक इस प्रकार है, इसमें संजय कह रहे हैं, तम तथा कृपया अभिष्टम अश्रुपूर्ण आकुल इच्छनम वसी बीसी दंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन मधुसूदन। संजय कह रहे हैं, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख मधुसूदन कृष्ण ये शब्द कहे। प्रपाद जी इसका तात्पर्य समझा रहे हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था
और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञान पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। इस श्लोक में जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, जो कुछ बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें है करुणा, दया और मधुसूदन, ये सब जो शब्द है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो वैसे साधारण ढंग से हम देखते हैं कि जो अच्छा भाव जो है वह देवता स्वरूप है और खराब भाव जो है वो खराब कर्म जो है वो दैत्य स्वरूप है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि विशेष परिस्थिति में अच्छा भाव जो है वो इस श्लोक में दैत्य स्वरूप हो गया है और बुरा भाव जो है वो इस श्लोक में, इस बुरा भाव कहिए तत्काल, वो इस श्लोक में दैत्य भाव में आ गया है, दैत्य स्वरूप हो गया है। अच्छा भाव क्या है? जो करुणा और दया इस भाव में है, सबसे प्रमुख करुणा और दया। ये करुणा और दया इस श्लोक में दैत्य का काम कर रहा अर्जुन के लिए, और अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये करुणा और दया का भाव जो मेरे में आ रहा है वो एक दैत्य के समान है, इसका नाश कीजिए ताकि हम अच्छे कर्म में आ सकें। अब इसमें हमको देखना है कि दया और करुणा क्या शब्द का क्या मतलब है। दया का मतलब होता है जो कोई आदमी मेरा क्षति किया और आके हमसे माफी मांग रहा है और हम उसको माफ कर रहे हैं, तो ये हो गया दया। करुणा का मतलब है जो कोई व्यक्ति मेरा क्षति कर रहा है और वो हमसे माफी भी नहीं मांग रहा है और मेरा हमेशा नुकसान कर रहा है, लेकिन जो आदमी साधु प्रकृति का होता है और जिसका सोच साधु के सोच के समान है और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, उन्हीं लोगों में करुणा का भाव आता है। जनरल आदमी में करुणा का भाव नहीं होगा, जो शुद्ध भक्त है उसमें करुणा का भाव आता है। और करुणा का भाव का मतलब होता है जो आदमी हमसे माफी नहीं मांग रहा और लगातार मेरी हमको प्रताड़ित कर रहा है, कष्ट दे रहा है बिना मतलब का, धर्म के विरुद्ध, तब भी हम उसको माफ कर रहे हैं, हम जाके उसको माफ कर रहे हैं, वो मेरे पास नहीं आ रहा है जो हमको माफ कीजिए, हम जाके तब भी उसको माफ कर रहे हैं, ये बहुत उच्च कोटि का भाव है और ये है करुणा, जिसमें कि प्रतिशोध और कोई खराब भावना या भौतिक दैहिक स्तर पर जो एक प्रतिक्रिया है उससे ऊपर उठ के है।
इसको हम करुणा कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं नामाचार हरिदास ठाकुर के उदाहरण से। जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में कोरा से मारने की क्रिया हुई, उसमें हरिदास ठाकुर ने एक बार भी, उनके मन में एक बार भी इस तरह की भावना नहीं आई जो ये भगवान की भक्ति के एवज में हमको कोई राजा आदेश कर रहा है कि इसको कोड़ा मारो, और जो कोड़ा मार रहा है वो भी इसलिए कोड़ा मार रहा है कि हम भगवान की भक्ति में, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम समाज में कोई चीज़ का क्षति नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, और हम सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके प्रतिफल में हमको कोड़ा मारा जा रहा है। लेकिन वो सब चीज़ बर्दाश्त करते हुए वो आदेश देने वालों को और कोड़ा से मारने वालों को, दोनों को वो माफ़ कर रहे हैं और दोनों के प्रति करुणा बरसा रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, इन लोगों का कोई दोष नहीं है और इन्हें माफ़ कर दीजिए, हमको इनके प्रति कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है और हमको इनके प्रति कोई तरह का प्रतिशोधात्मक भाव नहीं है या कोई तरह का हमको पछतावा नहीं है जो हमको ये कोड़ा मार रहे हैं। ये भाव जो है, जो कि अच्छे काम के प्रतिफल में हमको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें ये हम देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर दैहिक भाव या भौतिक भाव से ऊपर उठ के आध्यात्मिक और आत्मा के लेवल से सोच रहे हैं, जो ये हमारे शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे आत्मा को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे शरीर को कितना भी दुख दे रहे हैं लेकिन मेरी आत्मा को कोई तरह का क्षति नहीं पहुंच रहा है, और ये शरीर तो है ऐसा जो आज खत्म होगा, कल दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगा, इसके लिए क्या रोना है, इसको अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है तो इसके लिए हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं है और वो इस क्षति पहुंचाने वाले को माफ कर रहे हैं। ये हुआ करुणा का भाव, जो कि अभी अर्जुन में यही भाव उठ के आया है। जो अर्जुन को कहा जा रहा है जो तुम युद्ध करो और अधर्म करने वाले को का वध करो, और अर्जुन अधर्म करने वाले को वध करने के लिए जब उनको आदेश भगवान दे रहे हैं तो उनमें करुणा का भाव आ गया है। जो मेरा कोई कितना भी बिगाड़ रहा है तो वो मेरे दैहिक रूप को, देह के रूप, भौतिक देह के रूप के स्तर पर हमारा बिगाड़ रहा है, तो हम उसको क्यों उसका नाश करें, हम क्यों उसका बदला लें। और आत्मा के लेवल में जो अगर हम सोच रहे हैं तो हमको उनको माफ करना चाहिए या उनके प्रति करुणा देना चाहिए। ये भाव भगवान अर्जुन के मन में आ रहा है, जो भाव अभी दैत्य स्वरूप है। ये भाव दैत्य स्वरूप, ये अच्छा भाव आज दैत्य स्वरूप इनके मन में इसलिए कहा जाएगा कि ये ही भाव अभी उसको धर्म के रास्ते पर जाने से रोक रहा है। अभी धर्म का मांग है जो उनका वध किया जाए, और यही अच्छा भाव अभी एक दैत्य के रूप में आके उनको धर्म के काम से विमुख कर रहा है, और अर्जुन उनसे परेशान है। अर्जुन ये जान रहे हैं जो करुणा दया कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं किया जाए, लेकिन अभी उनका मनोभाव इस तरह से ग्रसित हो गया है करुणा और दया के भाव को लेके, क्योंकि वो करुणा दया भाव क्यों कहेंगे कि आपकी कैसे आ गया उनके मन में, इसलिए आया कि वो भगवान के सबसे बड़े, बहुत बड़े शुद्ध भक्त में से हैं, और भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसमें करुणा निश्चित रूप से आ जाता है। अभी वो भाव से, वो करुणा के भाव से ग्रस्त हो गए हैं, और ये भाव इतना प्रबल है जो उस भाव से निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा शब्द है मधुसूदन। तो मधुसूदन जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अभी मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं।
मधुसूदन का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण मधु नामक बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली दैत्य था, उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था और तब से उनका नाम एक मधुसूदन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो उस दैत्य का वध करने के बाद वो मधुसूदन कहलाए। तो अभी अर्जुन का कहना है, जो अभी हम जिस भाव से ग्रसित हैं वो भाव इस तरह का है जो उससे हम पार नहीं पा रहे हैं, उससे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। तो हे भगवान, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक वह दैत्य, उस भाव रूपी दैत्य का दमन हमारे से संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप इस मुझ पर कृपा कीजिए और उस भाव को खत्म कीजिए ताकि हम आपके आदेशानुसार जो धर्म का कार्य है वो करने में सक्षम हो जाएं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी का भी, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी आत्मा जो अभी जिस शरीर को प्राप्त किया है वो शरीर से अगर वो पाप कर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उस शरीर का नाश होना आवश्यक है। उस शरीर के नाश को करने में कोई तरह का पाप नहीं है। तो उस शरीर को नष्ट कर देना अति आवश्यक है और इस समय धर्म का यही पुकार है। तो हम कभी कभी ये कह सकते हैं, जो अच्छा चीज कभी कभी बुरा हो जाता है, बुरा चीज कभी कभी अच्छा होता है। इसका एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं, जैसे नशा करना बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वही नशा हमारे लिए वरदान हो जाता है। जैसे किसी का शरीर का ऑपरेशन करना है और उसके शरीर को एक सर्जन काटेगा, उसे जैसे पेट को चीरता है, काटता है, या किसी अंग को वो चीरता है, काटता है, उसमें बहुत पीड़ा होगी और उस दर्द के कारण आप ऑपरेशन एक डॉक्टर ठीक से नहीं कर पाता है। तो उसको उसी नशा का डोज दिया जाता है, वो डोज एक लिमिट में दिया जाता है और इस तरह से दिया जाता है जैसे वो अमृत के तरह उसके लिए उस समय काम करता है, जो उसके शरीर को सुन्न कर देता है और उसको दर्द का कहीं कोई एहसास नहीं होता है और तब डॉक्टर उसके रोग का अच्छा से इलाज कर देता है। तो यहाँ पर जो है, एक खराब चीज हमारे लिए धर्मानुसार है और हमारे लिए वरदान है। और कभी कभी देखते हैं कि जैसे दूध पीना बहुत अच्छी चीज है, सात्विक चीज है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में दूध से एलर्जी होता है, जो दूध आपको पचता नहीं है, दूध का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपके पाचन क्रिया के अनुकूल नहीं है। तो उससे क्या होता है, आप उसको दूध का कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो आपके पेट में गड़बड़ी पैदा होती है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो वहां पर मना कर दिया जाता है दूध को पीने से। तो वहां वो दूध जो कि अच्छा चीज है वो उसके लिए खराब माना जाता है, दैत्य के समान है। और जो चीज, जो नशा दैत्य है, इस परिस्थिति में, ऑपरेशन के परिस्थिति में, वो दैत्य अच्छे भाव में आता है, वो दैत्य दैत्य नहीं कहलाता है। तो यही अर्जुन के साथ अभी यही परिस्थिति है, जो एक अच्छा भाव इसको इस तरह से इस पर हावी है, जो कि धर्म के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण के इच्छानुसार जो धर्म उसको निभाना चाहिए अभी, वो निभाने में ये दैत्य स्वरूप उसके कर्म करने के रास्ते पर प्रतिरोध बन के खड़ा है, जिससे कि वह लड़ नहीं पा रहा है और उस दैत्य से हार जा रहा है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के ये कह रहे हैं कि इस जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक इस दैत्य को आप नहीं मारिएगा, इस भाव को आप खत्म नहीं कीजिएगा, तब तक हम धर्म के अनुसार आपके जो द्वारा जो निर्देशानुसार जो धर्म के अनुसार हमको जो काम करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे।
और ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमको इस भाव से छुटकारा दीजिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मनुष्य को धर्मानुसार अपना काम करना चाहिए, और धर्म क्या है उस समय समय पर वो चेंज होते रहता है। ये नहीं है कि जो धर्म बना हुआ है वो हमेशा, जो कार्य एक जगह पर एक समय में एक निश्चित और एक निश्चित परिस्थिति, निश्चित समय या निश्चित परिस्थिति के अनुसार कहीं वो कार्य धर्म है तो हमेशा वो धर्म ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। और कभी कभी कोई कार्य जो कभी अधर्म है वो हमेशा अधर्म होगा, ये काम, ये बात नहीं है। ये धर्म अधर्म भगवान के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसको बताने के लिए हमें एक अच्छे गुरु और शास्त्र, एक अच्छे शास्त्र के ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त जो गुरु हैं वो बताते हैं जो समय के हिसाब से कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है। तो यहाँ पर बध करना अर्जुन के लिए धर्म है, क्योंकि जो आदमी धर्म अधर्म के अनुसार काम कर रहे हैं उनका वध करना अर्जुन का एक क्षत्रिय है, जो अर्जुन का काम है वो उसको, उनका काम है जो उनका वध किया जाए। एक क्षत्रिय का असली धर्म यही है जो समाज में धर्म की रक्षा करे और अधर्म करने वाले का नाश करे। ये एक शुद्ध भक्त और क्षत्रिय का ये काम है, जो उसका, उसको हिंसा करना आवश्यक है, लेकिन वो हिंसा अनावश्यक रूप से हिंसा करना नहीं है उसको। जो धर्म के रक्षा करने के लिए अगर उसको हिंसा करना है तो क्षत्रिय का प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है जो वो उस हिंसा को करे और धर्म की रक्षा करे, ये अर्जुन का काम है। तो ये अर्जुन को कहा जा रहा है कि ये इस समय तुम्हारे सगे संबंधी जो भी हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से वो अधर्म नहीं भी कर रहे हैं लेकिन वो अधर्मियों के साथ खड़े हैं, उनको मारना है, तुमको वध करना है। उनके प्रति करुणा और दया की भावना जो तुम में जग रही है वो गलत है इस समय, वो अधर्म है इस समय। और तुमको ये सोचना है जो ये शरीर जो है जिसका तुम नाश करोगे, वो शरीर का नाश होता है, आत्मा का तो नाश होता नहीं है, आत्मा का कोई क्षति नहीं पहुंचता है। और ये शरीर का जब नाश होता है तो आत्मा तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, तो तुमको इसके बारे में सोचना नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जो कोई आदमी जैसे वो डूब रहा है अज्ञान और अधर्म के अनुसार, अधर्म के काम के अनुसार वो मारा जा रहा है या नदी में डूब रहा है और वो मरने जा रहा है, तो उसके कपड़ों को बचा के क्या फायदा है? हम जान रहे हैं कि वो मर जाएगा या मर गया है, उसका कपड़ा बचाने से हमको क्या फायदा है? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग अभी डूबने जा रहे हैं, ये अपने धर्म का जो ये लोग विरोध किए हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब है ये आत्मा डूबने जा रहा है। जब ये आत्मा डूबने जा रहा है तो इस आत्मा पर जो कपड़ा रूपी शरीर है इसका, उस शरीर का तुम नाश करो, उसकी चिंता नहीं करो, उसका शरीर का नाश करो, क्योंकि आत्मा डूबेगा, फिर डूबेगा भी तो उसका कोई क्षति नहीं होगा, वो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगा। इस तरह से हम देखते हैं जो एक तरह से हम देखते हैं जो हमको अगर गोलोक धाम वृंदावन जाना है तो हमको सबसे पहले भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, और भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए हम, जब हम बनेंगे भगवान का शुद्ध भक्त में, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम बन रहे हैं, तो हम में दया और करुणा, खासकर करुणा का भाव हम में जागृत होता है। करुणा का भाव
जल्दी आम आदमी में जागृत नहीं होता है। बहुत बड़ा बड़ा भगवान का बहुत बड़ा बड़ा भक्त जो होते हैं, बहुत ऊंचे स्तर का भक्त जो होते हैं, उन्हीं में करुणा का भाव होता है। जो मेरा हमेशा कोई गलत हमारे साथ कर रहा है और हमको आके पछतावा भी नहीं कर रहा है, हमको आपके हमसे माफ़ी भी नहीं मांग रहा है, फिर भी हम उसको माफ़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी कहेगा कि तुमको क्षति कर रहा है तो तुम उसका प्रतिरोध तुमको करना चाहिए, लेकिन वो आदमी समझ रहा है कि प्रतिरोध करेंगे, उससे हम लड़ेंगे तो उससे क्रिया प्रतिक्रिया होगी, क्रिया प्रतिक्रिया में हम जब रिएक्शन में आते हैं तो फिर हम अच्छा और कर्म बुरा कर्म में फंस जाएंगे और फिर हमको अगला जन्म पैदा होना पड़ेगा उसको अच्छे बुरे कर्म का फल को भोगने के लिए। लेकिन कोई अगर मेरा बहुत खराब कर रहा है तब भी हम उसका प्रतिक्रिया में उससे कुछ उसको नहीं कर रहे हैं, अब चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं और हम इस शरीर को अगर छोड़ भी देते हैं तो हम उसके क्रिया के प्रतिक्रिया को भोग प्रतिक्रिया चूंकि हम नहीं दिए हैं तो उसको उसके फल को भोगने के लिए हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा और हम गोलोक भगवान के धाम हम पहुंच जाएंगे। तो ये मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन यही चीज यही रास्ता अभी हमको अपनाना नहीं चाहिए। एक अर्जुन जिस परिस्थिति में है उसको अर्जुन को ये रास्ता अभी मोक्ष के लिए या गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए बाधक बन रहा है, यही कर्म अभी उसका सबसे बड़ा कर्म है। जो धर्म की रक्षा करने के लिए हमको दया और करुणा को परे हटके हमको अधर्मियों का नाश करना है, ये सबसे बड़ा कर्म है। उसको साधारण दृष्टि से ये नहीं देखना चाहिए जो हम इसका वध कर दिए तो हमको पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। अभी है वध करना जरूरी है। वध करने से क्या होगा, जो समाज में पापियों का नाश होगा और अच्छे लोगों का संरक्षण होगा और अच्छा लोग समाज में अच्छे लोग अधिक से अधिक अच्छा लोग बनेगा, लोग ये देख के जो अधर्म जो करता है तो उसको उसका दंड क्या होता है। तो आम जनता में अच्छे कर्म और धर्मानुसार काम करने की प्रवृत्ति जगेगी। अगर अभी भगवान कह रहे हैं कि अभी तुम इसको अगर नहीं मार पाओगे तो लोगों में धर्मानुसार काम करने का सो विश्वास उठ जाएगा। लोग कहेगा अरे ये तो अधर्मी था, कुछ कर ही दिया, इतना पाप किया तभी इसका कुछ नहीं भगवान बिगाड़ सके और उसका कुछ नहीं होगा, तो हम लोग भी खराबे काम करके जीवन जी लेंगे। उसको अच्छा और खराब में जब वो देख रहा है कि कोई अंतरे नहीं है तो हम खराबे काम करने में रहेंगे। तो इसीलिए भगवान इस महाभारत के युद्ध को भगवान ठाने और महाभारत युद्ध करके और समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने में अच्छा भाव भी अगर आता है तो उसको खत्म कर दिया जाए। जैसे कलयुग के आने के समय में परीक्षित महाराज बाधक बन रहे थे लेकिन कलयुग को आना था, ये भगवान की इच्छा थी, तो परीक्षित महाराज को साइड कर दिया गया और उनको हटा दिया गया ताकि वो कलयुग आए। ये भगवान का की इच्छा, भगवान कब क्या कर रहे हैं वही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ भगवान की इच्छा है, ठीक उसी तरह जो परीक्षित महाराज अभी ये समझ लीजिए जो करुणा और दया परीक्षित महाराज हैं उसको हटा के साइड करके और इनका वध करना आवश्यक है। तो हमको धर्म के अनुसार यहाँ पर अर्जुन की मन स्थिति है जो दया करुणा को हटा के आप युद्ध कीजिए और अधर्मियों का नाश कीजिए ताकि धर्म की स्थापना हो और ये उच्च स्तर के आत्मा के लेवल के स्तर का ये सोच है। यही हम इसके श्लोक में हमको जो इससे पता लगा है, हमको ज्ञान यही प्राप्त हुआ है इसी तरह का, और हम जो बोल पा रहे हैं तो ठीक से स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाए या जो भी हो हम यही समझ रहे हैं, इसके लिए गलत अगर हम समझ रहे हैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना। इसमें
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुनने समझाया किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर से समझाया कैसे कभी कभी अच्छी चीज भी बुरी हो सकती है। जैसे तो पापा बोलते हैं अगर कोई डूब रहा है तो उसके शर्ट को बचाए, शर्ट को बचाना खराब नहीं लेकिन और को डूब लेते थे। मान लिया मैं डूब रहे और कोई तुम दया है मेरे कुर्ते को निकाल मिल गए मैं तो डूबने लगा ये बहुत दिल है। इसलिए भगवान बोले अपने को अभी बंद करना जरूरी है। हाँ ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए आपको थोड़ी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस को आपने सुनने से प्रयोजन बताया को। अरे तो चौपाल की यस्य प्रसादो भगवान प्रसादो यस्य प्रसाद शास्त्री संदे वंदे गुरु श्री चरणा।